मैले वस्त्र और बेतरतीब बिखरे बाल, माथे पर गट्ठर और पीठ पर बैग लिए नंगे पांव निकल पड़ा है मीलों की सफर पर। कोई अपनी बूढ़ी माँ को सहारा देने में लगा है, तो किसी को अपने मासूम को धूप से बचाने की चिंता है। पांव में पड़े छाले हों या पेट में लगी भूख, हौसला ऐसा कि इन्हें रोक पाना मुश्किल है। जी हाँ, यह नजारा है राष्ट्रीय राजमार्ग पर पैदल सफर करने वाले प्रवासी मजदूरों की। दरअसल ये वही मजदूर हैं जो इन दिनों अपने ही देश में प्रवासी होने का दंश झेल रहे हैं। जिस प्रदेश को अपनी मेहनत और पसीना से सींचा था, वही आज बेगाना हो गया। अपनी मेहनत के दम पर बड़े बड़े महल और अट्टालिका खड़ा करने वालों को आज सिर ढकने के लिए पेड़ का छांव ही सहारा बचा है। देश और प्रदेश के लिए अनाज का पैदावार करने वाला आज अन्न के एक एक दाने के लिए मोहताज होकर अपने घर लौट रहा है, इस उम्मीद में कि शायद घर पहुंच गए तो बच जाएंगे। दरअसल यह कोरोना काल की सबसे बड़ी विडंबना है और आज इसकी पड़ताल करना जरूरी हो गया है। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। खबरों की खबर के इस सेगमेंट में बिहार लौट रहे प्रवासी मजदूरों की दास्तान सफर पर मैंने एक रिपोर्ट तैयार किया है। आप इसे दर्द का सौदा भी कह सकते हैं। सौदा इसलिए कि लौट रहे मजदूरों को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है, नफा नुकसान की राजनीति। सरकार हो या विपक्ष, प्रवासी मजदूरों पर दोनों की पैनी नजर है। चिंता इस बात की नहीं है कि बिहार का पूरा ग्रामीण समाज खतरे में पड़ जाएगा, बल्कि चिंता वोट खिसकने या जोड़ने की इससे अधिक है। हालांकि सबसे बड़ी चिंता उन मजदूरों की होनी चाहिए जो इन दिनों किसी भी प्रकार से घर लौटने की जद्दोजहद कर रहे हैं। मीलों पैदल चलकर या ट्रेन में जगह नहीं मिलने से अकुलाकर ट्रकों में भर भर कर घर लौटने को विवश है। कोई भूख से कुलबुला रहा है तो कोई बीमार बूढ़ी मां को गोद में उठाए सफर कर रहा है। सवाल उठता है कि यह हुआ क्यों। दरअसल रोजगार की तलाश में करीब 20 से 22 लाख श्रमिक प्रत्येक वर्ष बिहार से पलायन कर जाते हैं और देश के अन्य राज्यों में मजदूरी करके अपना भरण पोषण करते हैं। कोरोना काल की लॉकडाउन में इन मजदूरों से उनका रोजगार छिन गया और अचानक आवागमन ठप हो जाने से ये सभी मजदूर प्रदेश में ही फंस गए। लॉकडाउन बढ़ता रहा और इनके पास खाने पीने के सामान की कमी होने लगी। समस्या यहीं से शुरू होती है। जब कोई और रास्ता नहीं मिला तो दिल्ली, मुंबई और अन्य जगहों से ये मजदूर पैदल ही बिहार के गांवों के लिए निकल पड़े। बात सिर्फ बिहार की नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल और यूपी सहित कई अन्य राज्यों के लिए लाखों मजदूर निकल पड़े। इसके बाद देश की राजनीति में खलबली का होना स्वाभाविक था और हुआ भी। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जरूरी था कि जो जहां है वहीं रहे। समस्या ये थी कि रोजगार छिन जाने के बाद प्रदेश में रहने वाले मजदूरों के पास खाने की किल्लत हो गई और उनके जेब में पैसे भी नहीं थे। इसके बाद बिहार सरकार हरकत में आई और जियो फेंसिंग टेक्नोलॉजी की मदद से इनमें से 13 लाख से अधिक मजदूरों की पहचान करके उनके खाते में 1-1 हजार रुपए भेजने शुरू कर दिए। सरकार की दावों को माने तो करीब 10,11,473 मजदूरों के खाते में राशि भेज दी गई। बावजूद इसके मजदूरों के घर वापसी का सिलसिला थमा नहीं। इस बीच बिहार के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल और यूपी के मजदूर भी अब लौटने लगे थे और पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल हो गया था। अब कोरोना संक्रमण को फैलने से रोक पाना सरकार के लिए मुश्किल होने लगा था, बड़ी चुनौती बन गया था। इसके बाद केंद्र की सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाकर मजदूरों को उनके घर पहुंचाने का निर्णय लिया। तय हुआ कि घर जाने से पहले इनको नजदीक के क्वारंटाइन सेंटर पर 14 रोज बिताना होगा और यहीं से राजनीति शुरू हो गई। अब आलम यह है कि कोरोना वायरस गांव में दस्तक देने लगा है और सरकार ढील पर ढील दिए जा रही है। लंबी लॉकडाउन में घर में बैठे लोग भी अब ऊब चुके हैं और ढील का भरपूर मजा लेने के लिए, बाहर निकलने के लिए कुलबुला रहे हैं। गांव में अधिकांश लोग इस बात से पूरी तरीके से अनजान है। यदि संक्रमण अनियंत्रित हुआ तो क्या। लौटते हैं प्रवासी मजदूरों की दर्द दास्तान पर।
आपको 7 मई तो याद ही होगा जब महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में रेलवे ट्रैक पर सो रहे 16 मजदूरों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी। इसके बाद कई दिल दहलाने वाले सड़क दुर्घटनाएं हुई। 14 मई को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 2 सड़क हादसे हुए और इनमें कुल 14 श्रमिकों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के गुना और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुए अलग अलग हादसों में ये सभी मौतें हुई। गुना में मजदूरों का एक जत्था ट्रक पर सवार होकर महाराष्ट्र से अपने गृह राज्य यानी यूपी लौट रहा था। हादसे में 8 मजदूरों की मौत हो गई जबकि 54 लोग घायल हुए थे। इससे पहले यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में पैदल चल रहे मजदूरों को राज्य रोडवेज की बस ने कुचल डाला और इस हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई थी। इससे पहले 12 मई को मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में यात्रियों से भरी एक बस का टायर फट जाने की वजह से वह बस पलट गई और इस हादसे में 24 लोग घायल हो गए थे। यह सभी मजदूर महाराष्ट्र से आ रहे थे। इसी नरसिंहपुर में 10 मई को आम से भरे एक ट्रक के पलट जाने से उसमें सवार 5 मजदूरों की जाने चली गई। यह सभी मजदूर ट्रक में छिपकर हैदराबाद आ रहे थे। सेव लाइफ फाउंडेशन के आंकड़ों के मुताबिक 15 मई की सुबह 11 बजे तक देश में कुल 1176 सड़क हादसे हुए। इनमें 321 लोगों की मौत हो गई और करीब 530 लोग घायल हुए। मरने वालों में 111 प्रवासी मजदूर थे और घायलों में 384 प्रवासी मजदूर थे। यह सभी दुर्घटनाएं लॉकडाउन की अवधि में हुआ। यह कैसी विडंबना है, मौजूदा समय में भारत के पास दुनिया का दूसरा बड़ा सड़क नेटवर्क है, रेल और हाईवे नेटवर्क भी है, 4 लेन की सड़कें हैं, 2 लेन का जाल बिछा हुआ है, बावजूद इसके हमारे मजदूर देश के बड़े बड़े शहरों से अपने घर लौटने के लिए सैकड़ों किलोमीटर पैदल सफर कर रहे हैं। दर्द की यह तस्वीर दुनिया की मीडिया में इन दिनों सुर्खियां बटोर रहा है। एक बात और जो यहां गौर करने वाली है, प्रवासी मजदूरों के पैदल चलकर गृह राज्य जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई को कहा कि लोगों को पैदल सड़क पर चलने से रोकना उचित नहीं। दरअसल औरंगाबाद में 16 मजदूरों की मौत के बाद यह याचिका दायर की गई थी। याचिका में कोर्ट से आग्रह किया गया था कि अदालत सभी जिला मजिस्ट्रेट को यह निर्देश दे कि जो लोग भी सड़क पर चल रहे हैं उन्हें उनके घर तक बिना शुल्क लिए और सम्मान के साथ उनको उनके घर तक पहुंचाने का इंतजाम कर दिया जाए। ऐसा याचिकाकर्ता का कहना था और उसने कोर्ट से इस तरह का आदेश जारी करने का अनुरोध किया था। समस्या चाहे जितनी बड़ी हो और कारण चाहे जो, पर प्रवासी मजदूरों की अंतहीन दास्तान से किसी को इनकार नहीं है। समस्या सिर्फ घर आने की जद्दोजहद में है ऐसी बात नहीं, बल्कि घर पहुंचकर क्वारंटाइन सेंटर की कुव्यवस्था से भी है। हम सरकार के द्वारा की जा रही व्यवस्था को खारिज नहीं करते, पर यह भी सच है कि क्वारंटाइन सेंटर से जो खबरें छन छन कर आ रही है वह सुखद नहीं। दूसरा सच यह है कि इन्हीं प्रवासी मजदूरों के साथ कोरोना वायरस अब गांव में भी दस्तक देने लगा है। एक सच यह भी है कि बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर क्वारंटाइन सेंटर पर जाने की जगह अपने घर में छिपे बैठे हैं। अब तो सरकार भी रेड जोन को छोड़कर बाकी शहरों से आए मजदूरों को होम क्वारंटाइन में रखने का आदेश जारी कर दिया है। दरअसल यह सियासत का एक तरका है और देखना है कि अब इस आदेश से किसको लाभ मिलेगा और किसका नुकसान होगा। सवाल यह भी कि ठगी का शिकार कौन हो रहा है, प्रवासी मजदूर या आम नागरिक? ऐसे और भी कई सवाल हैं जिसका जवाब तलाशना होगा। यदि आपके पास सियासत से इतर कोई उपयुक्त जवाब हो तो मुझे जरूर बताइए, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। नमस्कार।